सो फ्रेंड, जो वीडियो आप आज देख रहे हो और ये जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ, ये मेरे ख्याल से मैं शायद इसके ऊपर वीडियो बनाता था। इसका कुछ रीज़न है, जो क्या है वो मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करने के बाद बताता हूँ। हे गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर एंड यू वाचिंग तशफा व्लॉग्स। और फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक और धमाकेदार सा शानदार सा ब्लॉग लेकर आप लोगों के लिए फिर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माउंट टूल की तरफ से आने वाली मार्बल कटर मशीन, जो कि 4 इंच की है। सो इस वीडियो के अंदर हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे। और बता दूँ वो जो मैंने रीज़न क्या है इस मशीन को लाने का, सबसे पहले मैं आपको मशीन का बॉक्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखता है, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये मशीन का बॉक्स देखने को मिलता है। ये सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, माउंट टूल का सिंबल, कुछ इस तरीके से आपको क्लियरली बता दूँ। सो ये मशीन का जो कलर है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्राउनिश कलर में इसका कलर देखने को मिलता रहेगा। सो यही इसका रीज़न है गाइस, और इसका कोई रीज़न नहीं है। इस कलर ने मुझे किया इम्प्रेस और मुझे इस मशीन को लाना पड़ा। और ये जो ब्रांड है ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ही लाया जाए। सो मैंने फाइनली यहाँ पर इस मशीन के ऊपर वीडियो शूट किया, और जो कि आप देख रहे हो। अब करते हैं इस मशीन का फुल एंड फुल रिव्यू, तो देखते हैं क्या इसके अंदर आपको पावर देखने मिलती है, क्या इसकी एफिशिएंसी है। तो सब कुछ हम इसकी स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, और इनफैक्ट मैं आपको इसके अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि ये कितने प्राइस पॉइंट पर आपको ये मशीन देखने को मिलती है। सो सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो का फुल। तो वीडियो को जितना हो सके पूरा देखने की ज़्यादा कोशिश करो, वरना आप इसकी प्राइस मिस कर जाओगे, मेरी गलती नहीं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को तो लाइक, और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फाइनली गाइज, ये अपने हाथ में है इस मशीन का बॉक्स। और सबसे पहले मैं बात कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पर बॉक्स की बात कर लेते हैं, कि गाइस बॉक्स मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगता है इस मशीन का। तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले मुझे माउंट टूल की ब्रांडिंग और यहाँ पर ये इसका सिंबल जो है मुझे काफ़ी पसंद आता है। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर हाफ पोर्शन पे आपको मशीन देखने मिलती है, और हाफ पोर्शन पे स्पेसिफिकेशंस और ये इसका सिंबल, ये आपको देखने मिल जाता है। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशंस वाली मशीन और पूरा ब्राउनिश कलर में आपको प्रोफाइल देखने मिलता है, सेम यहाँ पर भी। और नीचे की तरफ आपको पूरा वाइट सरफेस देखने मिलता है। यहाँ पर इसका जो वेट है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, मशीन का काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और वेट क्या है जो कि मैं आपको स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट में बताता हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं हम इसके स्पेसिफिकेशंस की। और यहाँ पर सबसे पहले रेटेड वोल्टेज की, तो जो कि आपको देखने मिलता है 220 to 230, सेम आपको सब मशीन में देखने मिल रहा है। ये मशीन का जितने भी मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ, सेम है सेम आपको प्लैनेट पावर और इलेक्ट्रिक्स की मशीन में देखने मिलेगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पर फिर हम बात करते हैं इसके फ्रिक्वेंसी की, आई मीन हर्ट्स की, तो जो कि आपको देखने मिलता है 50 to 60। और कई सारी मशीन में मैंने आपको बताया कि 50 to 60 मैक्सिमम मार्बल कटर मशीन में देखने मिलेगा, खास करके CM4SA में। बात करते हैं इसके वोल्टेज की, जो कि इनपुट वोल्ट, जो कि आपको देखने मिलता है 1050। और फिर हम बात करते हैं इसके RPM की, जो कि यहाँ पर आपको 11000 का इसका RPM देखने को मिल जाता है। और डिस्क डायमीटर की बात करूँ तो यहाँ पर 110mm की ब्लेड इसके अंदर ईजिली बैठ सकती है, ईजिली गाइज मैं बोल रहा हूँ। सो ईजिली के अलावा भी कुछ हो सकता है, यहाँ पर आप इसके अंदर 5 इंच की ब्लेड भी बिठा सकते हो, जो कि आती है 125mm की। सो वो भी इसके अंदर बैठ सकती है गाइज। ये सबसे ज़्यादा मुझे खास लगा इस मशीन के अंदर। इतनी सारी मार्बल कटर मशीन की अनबॉक्सिंग की है मैंने CM4SA की, सो मैंने शायद ये कभी बताया रहेगा कि इसके अंदर 5 इंच की ब्लेड भी लगती है। सो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि 4 इंच की जितनी भी मार्बल कटर मशीन आती है, स्पेशली SA, सो उसके अंदर आप 5 इंच की ब्लेड भी बिठा सकते हो। कुछ ये इसकी स्पेसिफिकेशंस। और फिर अब मैं बात करूँ उसके वेट की, जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट। सो वेट मेरे ख्याल से 2.5 kg इसका वेट देखना मिल जाता है। बॉक्स पे तो कोई मेंशन नहीं किया है, बट मैं मेरे अपने हिनाइन फील की बात कर रहा हूँ। 2.5 kg मुझे शायद लग रहा है कि इसका वेट हो सकता है, क्योंकि गाइस इतना हैवी लग रहा था मुझे मशीन, सीरियसली बता रहा हूँ। सो करते हैं अभी इस मशीन को अनबॉक्स, और चलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, और प्राइस में बीच में बताऊँगा, वो भी ज़रूर देखना। इस तरीके से आपको ये माउंट टूल का बॉक्स देखने मिलता है, और ये माउंट टूल का सिंबल यहाँ पर। सो ये कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स, सेम प्रोफाइल। सो खोलते हैं अभी इस बॉक्स को, कि देखते हैं कि मशीन आपको एक्चुअल में दिखती कैसे है। ये कुछ आपको मशीन देखने मिल जाती है कुछ ऐसा, ये आपको मशीन का कलर देखने मिल जाता है। इस वजह से मुझे ये मशीन को लाना पड़ा, इसका जो कलर है इसने मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रेस कर दिया था। जी हाँ गाइस, यहाँ पर ये कलर देखो गाइस कितना मस्त है। यहाँ पर ये मैट आपको ब्राउन कलर देखने को मिल जाता है इस मशीन का, और यहाँ पर ये कुछ ग्रे कलर का गियरबॉक्स इस साइड, और ये ब्लैक कलर की गियरबॉक्स की प्लेट, और नीचे की तरफ आपको ये बेस प्लेट जो है ये काफ़ी शाइनी बेस प्लेट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से, और ये बेस प्लेट लीवर ताकि आप इस मशीन को ये बेस प्लेट को ऊपर नीचे कर सकते हो इजीली, अप एंड डाउन हो रहा है यहाँ पर। ये गाइस काफ़ी अच्छा मुझे इसके अंदर लगा कि जो प्लेट है ये काफ़ी इजीली ऊपर नीचे हो रही है गाइस, क्योंकि मैंने इतनी मशीनें देखी है उसके अंदर काफ़ी मुश्किल से इसको ऊपर लाना पड़ता है, और कभी कभी काफ़ी मुश्किल से खींच के इसको नीचे लाना पड़ता है, बट इसमें इतना सॉफ्टली है कि आराम से नीचे जा रहा है। सो ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट इसके अंदर, ये नोट कर लो गाइस, ये मुझे लगा। और यहाँ पर ये कुछ एयर इंटेक के लिए यहाँ पर विंड्स दी गई है, ये ऊपर से आपको अलग से प्लास्टिक ग्रिल आती है, और ये साइड में आपको देखने मिल जाते हैं होल्डर CM4 के कुछ इस तरीके से दोनों साइड। और प्लेट गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मुझे लग रही है, तो इतनी ग्लॉसी है आप पूछो मत। और ये कुछ आपको मशीन के स्क्रू देखने मिल जाते हैं इतने मस्त ब्लैकिश कलर में, ये कुछ आपको इसके ऐसे स्क्रू देखने मिल जाते हैं। और ये यहाँ पर मशीन की ब्रांडिंग माउंट उल्का यहाँ पर आपको सिंबल देखने मिल जाता है इस मशीन के गियरबॉक्स की प्लेट पर, और पीछे की साइड आपको ब्रांड के स्टिकरिंग देखने मिल जाती है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया रहता है। सो ये कुछ आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। और तो और इसके अंदर यहाँ पर आप बात करते हैं हम इसके AB वाइसर्स की, हालाँकि ये नई मशीन है तो इसकी वजह से यहाँ पर AB वाइसर का जो स्क्रू है वो ढीला आएगा, बट AB वाइसर्स में आपको जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, इसका जो AB वाइसर है वो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ पर ये जो नट है वो खुलेगा, और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब वो टाइट होगा। सो ये कुछ क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नट जो है इजीली खुल गया है कुछ इस तरीके से। और ये इसके AB वाइसर्स की क्वालिटी गाइस, AB वाइसर्स की क्वालिटी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि गाइस ये मुझे थोड़े हल्के लग रहे, मतलब हल्के मतलब इतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं, ना कि इतनी क्वालिटी मुझे उनकी अच्छी लगी। सो एनीवेज यहाँ पर ये इसका डाउन वाला, सो यहाँ पर ये दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हो। मुझे इनके कलर में डाउट लग रहा है कि ये AB वाइसर्स जो है ज़्यादा हिट किए हुए नहीं है, बट एनीवेज चलेगा। बाकी क्वालिटी यहाँ पर इसके आवाज़ से मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है, बट एनीवेज चलेगा। और यहाँ पर ये वाला जो एल नट है ये काफ़ी मस्त लगा मुझे, इसकी क्वालिटी, ये थोड़ा हैवी भी है गाइस, लिटरली हैवी भी है। सो अब हम चेक करते हैं इस मशीन की पावर। सो पावर के मामले में मुझे ये थोड़ी बैटर लगेगी, अब चलाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और वायर देखो गाइस, वायर कुछ आपको इसके अंदर मिलता है, ये कुछ 1 मीटर लग रहा है मुझे, यहाँ पर ये वायर देख लो 1 मीटर मेरे ख्याल से लग रहा है, ना कि ज़्यादा बड़ा है। ओ इस तरीके से देखने मिल जाता है, काफ़ी स्मूथ सा वायर है गाइस, 2 कोर 1 mm वायर देखने को मिल जाता है, ये 1 mm आपको ये वायर जो है देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी बेटर है। और ये इसका कुछ प्लग, तो प्लग जो है इसकी क्वालिटी भी देखो काफ़ी शानदार, और चलाते एक बार इस मशीन को लगाते हैं प्लग में। ओ यहाँ पर ये देखो, ओ मैन, ये गाइस ये थोड़ी सी आवाज़ मुझे वियर्ड लगी, एक बार मैं वापस सुनना चाहूँगा, ये जो आवाज़ ने मुझे थोड़ा चीप वाला फील दे दिया, गेयरबॉक्स के अंदर जो खोखलापन है उसकी आवाज़ ऐसे मुझे लग रही है। ये देखो गाइस, ये गियर जो आवाज़ कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर ग्रीस जो है थोड़ा कम डाला है, बट एनीवेज ठीक है। बाकी कंपनी को गाइस ये सब चीज़ ध्यान रखनी चाहिए गाइस, ये आवाज़ ही मतलब, ये देखो ये जो गैप है ये एक खोखलापन वाला गैप है, अगर आप इसके अंदर ग्रीस थोड़ा अच्छे से भर लेते तो ये खोखलापन वाला आवाज़ मेरे ख्याल से इतना वाइब्रेट नहीं होता था। सो ये खाली आपको स्टार्टिंग में जब एक टॉर्क के नाम पर आप इसको चलाते हो तब आपको ये वॉइस आएगी, आप इसको एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाओगे तब आपको ये आवाज़ नहीं देखने मिलेगी, और जब आप इस मशीन का स्विच ऑफ करोगे तब आपको ये स्टॉप होते टाइम थोड़ी सी आवाज़ ये देगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। बाकी एनीवेज यहाँ पर मशीन चलने में काफ़ी स्मूथ है, ना कि कोई वाइब्रेशन, यहाँ पर एक बैलेंस आपको आर्मेचर देखने को मिल जाता है इस मशीन में। कुछ आपको यहाँ पर रबरिश कवर देखने मिलेगा इस मशीन के स्विच में, ये वाला, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा कि मशीन के जो रबरिश ग्रिप है वो आपको इस मशीन में देखना, ताकि कभी आपको कोई इशू ना हो, मतलब करंट वगैरह ना लगे इस वजह से। सो ये आपको छोटी छोटी सेफ्टी
देखनी चाहिए। इसी सब छोटी छोटी मिस्टेक से यहाँ पर मशीन की जो इम्प्रेशन डाउन होती है, बट यहाँ पर ऐसा माउंट टूल ने नहीं किया, माउंट टूल ने इसकी इम्प्रेशन को बनाए रखा। बाकी पावर के मामले में गाइस ये काफ़ी ऑसम है। आप देख रहे हैं मतलब जो मेरे हाथ में ऐसा झटका दे रही है ना, ये इससे मालूम पड़ जाता है इस मशीन के टॉर्क कितनी। देखो देख रहे ये पावर इसको बोलते गाइस पावर। यहाँ पर एक बार मैं देखना चाहूँगा कि कार्बन ब्रश का जो है स्पार्क तो नहीं है इतना। ऑसम गाइस, तो यहाँ पर आपको ज़ीरो स्पार्क देखने को मिलता है इस मशीन के अंदर। ज़ीरो मतलब आर्बन जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाले डाले हुए हैं, और जो आर्मिक्चर है उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि गाइस वारंटी आपको 1 मंथ की भी नहीं है। बट अगर आप जब इस मशीन को बाय करोगे तब हमारी तरफ से आपको 6 मंथ की इसके वारंटी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर आपको 1700 रुपीज़ तक की इसकी प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर 1700 रुपीज़ को आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। जब आपने इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखी तो आपको सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिक और प्लैनेट पावर वाली स्पेसिफिकेशन सेम है इसके अंदर, और प्राइसिंग भी मेरे ख्याल से उतनी है, कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने मिल जाता है। 1700 रुपीज़ में आपको इलेक्ट्रिक्स और वैसी मशीन भी मिल जाती है, बट ये थोड़ी उनसे एक मॉडर्न क्वालिटी बोल सकते हो, एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। हालांकि उनकी मार्केटिंग की तो मार्केटिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा है इन मशीनों से, क्योंकि गाइस ये नई नई ब्रांड्स है। और सबसे ज़्यादा इसका जो कलर है वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट देगा ये कलर। आप जेके की अगर आपने मशीन देखी होगी तो उसके जैसा आपको ये कलर मैच हो रहा होगा, वही सेम कलर लग रहा है मुझे। और अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हो। बाय करके मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये मशीन कैसी लगी, और मुझे एक कमेंट ये भी करना कि आपको इस मशीन का कलर जो है कितना पसंद आया, सो वो मुझे ज़रूर बताना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।